जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के अवतार पुरब के संबंध में गुरद्वारा गोबिंदगढ़ साहब पिंड कपूरे जिला मोगा विखे जो बच्चों वास्ते दस्तारा जो जिहड़े बच्चे सजाउंदे ने केसधारी ने जां बच्चियां अमृतधारी ने दस्तारा सजाउंदियां ने उन्हां सारे ही बच्चों ते बच्चियां दा इत्थे गुरद्वारा साहब विखे गुरद्वारा कमेटी वालों ते सारे ही नगर कपूरे वालों सन्मान किया गया है। क्योंकि आने वाले समय के भी असी सारा ही नगर चाहते हाँ कि बच्चे केसधारी रहन अमृतधारी बनन ते गुरु घर नाल जुड़े रहन। इस करके ये उपराला जो सारी कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल किया गया है। सो आने वाले समय के सारे ही बच्चों नूं यह बेनती करांगे कि वह केसधारी रहन अमृतधारी बनन। आने वाले समय के भी इदां दे प्रोग्राम असी गुरद्वारा साहब वालों उलीकते रहांगे। गुरु साहब कृपा करे क्योंकि आने वाला समा बहुत ही भयानक है। इस तरह असी बच्चों नूं गुरु घर नाल जोड़न वास्ते ही ये जो उपराला गुरद्वारा कमेटी ने नगर के सहयोग नाल किया है। सो सारे ही बच्चों नूं ते सारे ही मापिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां जो अज के समय के इत्थे पहुँचे ने जो केसधारी ने अमृतधारी ने। सो इन्नियां कु बेनतियां सारे ही बच्चे प्रवान करन। दस्तारा संबंधी जो प्रोग्राम बनाया गया है वह गुरु साहब की कृपा द्वारा साढ़े ख्याल से आई गल कि बच्चों इस पास उत्साहित किया जाए उस मुख रखते हुए फैसला लिया गया कमेटी वालों कि दस्तारा के नाल थोड़ी थोड़ी माया की सेवा दी जाए। लिफाफिया के एक दस्तार से 200 रुपया पा के बच्चों थोड़ा जहा उत्साहित वधाउण वास्ते किया गया है। क्योंकि बच्चे माया दे नाल कोई चीज़ खरीदने का शौक रखते छोटे बच्चे है उन्होंने इस चीज़ नाल प्यार हुंदा है वो भी जरूरी सी। हर एक माँ बाप की चाहना हुंदी है कि साडा बच्चा तरक्की करे चंगे पासे लगे चंगी सोसायटी संगत मिले। उसनूं मुख रखते हुए ये उपराला किया गया है कि बच्चों हौसला वधा के बच्चों होर बच्चों भी इस पासे जोड़ गए। अज किन्ने बच्चे टोटल लगभग जिहड़े हैगे आ तुसीं दस्तार वंडी है? अज जी बच्चे 98 बच्चे सीगे जिहड़े लिखे गए रजिस्टर ते उस तों बाद 2-4, 3-4 बच्चे होर भी आए है तो 100 तो उपर हो गए 102 बच्चे हो गए है ते उहनां नूं इस तरह सन्मानित किया गया। ते तुसीं कह रहे हो भेटा दित्ती है फिर सारा खर्चा जिहड़ा तुहाडा कित्थों है पूरा होया? ये जी गुरद्वारा साहब की गोलक की माया ही है। असी साढ़े इस गुरद्वारा साहब की गोबिंदगढ़ साहब की पहला तो मर्यादा है कि माया मंगते नहीं सेवा इतने आपे आप ही आ जाती है कोई कमी नहीं रहिंदी गी। असी ये नहीं कहिंदे कि आजी हुण बनना है तो लियाओ माया बाहरल्या तो मंगी जागे बाहरले किवें दसां उहदी किरत आप ही दे जांदे आ। तो अगे जो बाणी का भी असी उपराला करांगे बाणी सिखाउण दा जो नगर के नितनेम करते हैं वड्डी उम्र के भी तो बच्चे जो पाठी सिंह बनना चाहते हैं उन्हां नूं भी इस पासे हुण इस तों तीजा नंबर ते उपराला ये शुरू करांगे। अज का प्रोग्राम जो प्रबंधक कमेटी वालों किया गया है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पवित्र गुरपुरब आगम दिहाड़ा है। इस दिहाड़े उत्ते इन्होंने बच्चों गुरसिखी जीवन के नाल जोड़न वास्ते एक उपराला किया क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने एक नवा रेवोल्यूशन लिया सीगा एक नवा धर्म तो एक साडा फर्ज हुंदा है क्योंकि उस समय तो जो हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी मत बहुत जुल्म कर रहा सी उस जुल्म ठहलण दे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बड़ा संघर्ष किया ते अमृत भी पैदा किया। फिर उन्होंने नाल उन्होंने हिंदुस्तान के सारे लोगों सहयोग वास्ते कहा सी पर उन्होंने लोगों ने सहयोग नहीं दिता उल्टा गुरु साहब के वैरी होकर औरंगजेब के नाल सहयोगी हो गए तो गुरु साहब ने अपने 4 साहबजादे माता पिता भी कुरबान कर दते। तो जदों साबो की तलवंडी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी
उत्थे इकट्ठे होए आ माता जी भी गए सारा उत्थे भाई दया सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह ने मारे कहा सी दया सिंह अपने बच्चों के सिर के उत्ते ना दस्तारा सजाओ जुड़े रखो तो सिखी का उन्होंने पूर्ण रहत रखाओ क्योंकि मैं जदों तुहाडे बच्चों नूं तकांगा मैनू उन्होंने विचों साहिबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह दा जिहड़े दर्शन होणगे इस करके इस रूप है जिहड़ा इहदे विचों मैनू सिक्खी सरूप नज़र इस करके इस विषय नूं मुख रखदे होइआं प्रबंधक कमेटी वालों बच्चे क्योंकि अज कल स्कूलों भी पढ़ते हैं एक तो उन्होंने वेखा वेखी कुछ साडियां मावां का भी कसूर है मावां कह दें चल मैथों नहीं तेरा जुड़ा हुंदा गा सिर मनाया उत्थे नाई दी दुकान ते ये साडियां मावां का भी कसूर है इस करके उन्हां सारिआं नूं प्रेरणा करन वास्ते इत्थे अज ये प्रोग्राम बनाया गया छोटे बच्चों सद्या गया जिन्हां दे भाई केस जुड़े रखे आ वो आओ होर भी बच्चे जिहड़े इस पासे जुड़ो तां कि आपां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बच्चे बन सकीए उन्हां नूं तुहाडे विचों उन्हें लालां दे दर्शन इस करके प्रबंधक कमेटी वालों बच्चों नूं सन्मानित किया गया तो उत्साह किया गया ताकि उन्हां नूं प्रेरणा मिले अपने धर्म नाल जुड़न बाणी नाल जुड़न नशियां तों बचण पतत पुतत नाल बचण अते समाज की सेवा करन ये बेनती है जिस करके प्रोग्राम किया गया अज साडे गुरद्वारा गोबिंदगढ़ साहिब विखे कमेटी वालों सारे बच्चों दस्तारा दित्तियां गई सन जिहड़े बच्चे सिर ते दस्तार सजाउंदे हन ते उन्हां दे केस रखे हुए हन अज सारिआं नूं दस्तारा दित्तियां गई सन ते सानूं बहुत वधिया लग्गिआ है उन्होंने सानू दस्या प्रबंधक कमेटी ने सानू दस्या है कि सानू दस्तारा सिर ते सजाउणियां चाहीदियां हन ते अपने केस कतल नहीं करवाउणे चाहीदे सन हन अते गुरद्वारा साहिब असीं इह दस्तार रोज़ सजा के आया करांगे अते रोज़ पाठ करांगे सुबह शाम असीं हमेशा पाठ करांगे अते जो बच्चे अज कल केस कतल करवा रहे हन उन्हां नूं मेरे वल्लों हथ जोड़ के बेनती है कि कतल केस कतल नहीं करवाने चाहिए उन्हां छोटे साहिबजादियां वल सानू ध्यान देना चाहिए है जिन्हां ने साडी सरदारी लई साडे केसां लई अपनी कुरबानी दे दित्ती आपां उन्हां दे सामने कुछ भी नहीं आ सानू केस रखने चाहीदे हन ते गुरु दे लड़ लगना चाहीदा है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अज साडे गुरद्वारा साहिब विखे दस्तार वंडियां गईयां हन इस दस्तारां वंडियां गईयां हन लगभग 100 दे करीब बच्चों दस्तारां वंडियां गईयां हन अते केसधारी होण अते अमृत छकण लई सिक्ख्या दिती गई है मैं इस लई गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जो कि बच्चों नूं इन्ना उत्साहित करते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बेटा तुसीं सिर ते दुमाला सजाया हुआ कितना खुशी महसूस होंदी है उस गुरु के बच्चे बन के जी सानू बहुत ही ज़्यादा खुशी हुंदी है असीं गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे हाँ सानू सारे बच्चों ही सिर ते दस्तारा सजाउणियां चाहीदियां हन अते जो बच्चे केस कतल करवाउंदे हन मैं उन्हां नूं इह कहना चाहुंदी हाँ कि सानू इह दस्तार बहुत औखी मिली है लखां शहीदां ने इस दस्तार लई लखां खून डुले हन इस लई सानू इस दस्तार दी सानू इह बहुत औखी मिली है सानू इस दी इज्जत करनी चाहीदी है अते सानू सब नूं अमृत छकना चाहीदा है अते गुरु साहिब जी दे लड़ लगना चाहीदा ਇਹ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੀਏ।